हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं डीएलएम्बर्ट बेस्ड प्रॉब्लम का। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस 5 kg एंड 20 kg आर कनेक्टेड बाई एन इंक्लाइन स्ट्रिंग। आपको यहाँ पर दो ब्लॉक दिया हुआ है, एक का आपको मास दिया हुआ है कितना 5 kg दिया हुआ है, दूसरा को दिया हुआ है 20 kg एंड बोथ आर कनेक्टेड बाई एन इंक्लाइन स्ट्रिंग। आपको जो स्ट्रिंग दी दैट इज इंक्लाइन एट एन एंगल 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, ये भी जो क्वेश्चन आपको एक ही तरह वाले बुक से लिया हूँ तो मैं इसका आपको बता दूंगा इसका सॉल्यूशन कितना आएगा। आप उसको चेक करके मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि जो मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ आपको जो आंसर है वो मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं इसको सॉल्व करके बता नहीं पाऊँगा। तो मैं आपको अप्रोच बता दूंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स पी ऑफ 100 न्यूटन अप्लाइड टू द ब्लॉक बी एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे मुझे टेंशन भी निकालना है और एक्सेलेरेशन भी निकालना है यहाँ पे, ठीक है। अज्यूम द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक्स ए एंड बी टू बी 0.5 एंड 0.25 रेस्पेक्टिवली। म्यू ए आपको जो वैल्यू यहाँ पे दिया दैट इज 0.5 एंड म्यू बी आपको जो दिया हुआ है यहाँ पे 0.25 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, टेंशन भी निकालना है, एक्सेलेरेशन भी निकालना है। किसके लिए, मतलब है ना, एक्सेलेरेशन दोनों दोनों ब्लॉक्स के लिए निकालना है और यहाँ पे टेंशन निकालना है स्ट्रिंग का। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, एफ बी डी बनाएंगे। एफ बी डी किसका बनाएंगे, जिस पर पी लगा हुआ है, ठीक है। हम लोग एक ही लॉजिक को लेकर चल रहे हैं कि जिसमें पी लगा उसको अपन पहले एफ बी डी बनाएंगे। तो एफ बी डी ऑफ ब्लॉक, ये क्या दिया आपको, ब्लॉक बी दिया हुआ है तो ब्लॉक बी। ओके, तो यहाँ पे ब्लॉक बी बना देता हूँ, पहले यही बनाता हूँ, ठीक। ये अपना हो गया ब्लॉक, इसका वेट नीचे आएगा। ओके, देखो आपको यहाँ पे कितना दिया, 20 ग्राम 20 kg दिया हुआ है इसका वेट। तो दिस इज 20 × g, 20 × g मतलब क्या होगा, उसका वेट हो जाएगा। ओके, ये अपना क्या है, बी है तो इसको आप मान लो एन बी ले लो उसको, ठीक है। ये क्या नॉर्मल रिएक्शन उसका हो जाएगा। एक यहाँ पे पी लगा हुआ है तो पी को यहाँ दिखा दो, सिंस ये बॉडी उधर मूव करता है फ्रिक्शन फोर्स पीछे आएगा। दिस इज म्यू बी एन बी। ओके, एक टेंशन भी है, ठीक है, एक धागा है जो क्या है, हल्का इंक्लाइंड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से जो ये क्या है इंक्लाइंड है। और ये कितना आपको दिया यहाँ पे, 10 डिग्री आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, फाइन। उसका टेंशन जो इधर लगेगा, ठीक है, ये भी अपना हो गया, एफ बी डी कम्प्लीट हो गया है। अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए वाई ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बॉडी उधर मुख करते एक्सेलेरेशन क्या होगा, इसको मान लो ये अपना क्या है ए है और इसका भी क्या होगा ए होगा, ठीक है। सिंस बोथ आर कनेक्टेड बाय सेम स्ट्रिंग, जो जिस एक्सेलेरेशन से आगे बढ़ेगा उस एक्सेलेरेशन से जो ये भी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक्स लिखें तो यहाँ भी इसको एक्स लिख लो, एम ए एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू मास इन टू एक्सेलेरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखो एक्स के अलॉन्ग कौन से फोर्सेस आएंगे यहाँ पे, देखो टोटल फोर्स कितने, 1, 2, 3, 4 और ये 5 हैं। यहाँ पे ये और ये क्या है, वर्टिकल है, तो ये दोनों आएंगे नहीं। तो यहाँ पे पहले दिखा दो, पी पॉजिटिव साइड ज़्यादा है, ये अपन पीछा तो देते हैं माइनस ऑफ म्यू बी एन बी, ठीक है, ये अपना हो गया है। ये देखो अपना क्या आएगा, कॉस कंपोनेंट साथ नेगेटिव आएगा, दैट इज टी माइनस टी, यहाँ पे क्या आएगा कॉस 10 डिग्री इक्वल्स टू मास, देखो यहाँ पे कितना आपको दिया 20 दिया हुआ है, तो दिस इज 20 इंटू एक्सेलेरेशन, देखो क्या है पॉजिटिव ए साइड में ज़्यादा, तो आपको क्या होगा 20 ए हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज दिस माई इक्वेशन नंबर 1। ओके, हम क्या निकालेंगे, आप सेकेंड निकालेंगे, एफ समेशन एफ आई इक्वल्स टू एम ए वाई निकालेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये वाई का लॉन्ग क्या होगा, एम बी ऊपर चढ़ा तो उसको एम बी लिख दो एन बी, ये देखो आपको नीचे आ रहा कि नहीं, तो दिस माइनस 20 g हो गया है। ओके, ये भी आएगा, ठीक है, देखो कैसा आएगा, ये नेगेटिव आएगा है ना, माइनस आएगा क्योंकि ये अपना क्या है इधर आ रहा है, तो ये अपना एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव आएगा विथ साइन कंपोनेंट। तो यहाँ लिखो टी साइन 10 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों, क्योंकि मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास तो आपको दिया 20 बट एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या आपका जीरो दिया, तो दिस इज जीरो। ओके, तो ये भी आपका एक ऐसा इक्वेशन बनेगा जहाँ पे आपको क्या दिया बताओ तो। ओके, तो ये ऐसा है कि अपन यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिकॉज यहाँ पे अपना कितने उन्होंने तीन अननोन दिया हुआ है, दैट इज टी एन बी एंड पी, ठीक है। तो तीन इक्वेशन को जो है अपन दो इक्वेशन से, सॉरी तीन अननोन को जो अपन दो इक्वेशन से इसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ओके,
आप चाहो तो यहाँ से एनबी को निकाल करके यहाँ पे रख सकते हो, एनबी को हटा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कैसे तो आपको बता देता हूँ एक बार, एनबी यहाँ से बताओ क्या निकलेगा आपको यहाँ पे, दिस इज़ टी साइन 10 प्लस 20 जी, ये आपका निकल गया है। तो इस वैल्यू को हम क्या रखेंगे यहाँ पर रखेंगे, तो इक्वेशन वन बिकम्स, ठीक है। तो मुझे पी निकालना है यहाँ पे, तो पी इक्वल्स टू सबको वहाँ पर ले जाओ, दिस इज 20 ए हो गया, इसको वहाँ पर ले जाओ, दैट इज़ टी कॉस 10 डिग्री हो गया यहाँ पे आपका, इसको वहाँ ले जाओ, अगेन पॉजिटिव हो जाएगा कोई है। म्यू बी लिखो यहाँ पहले, और म्यू बी लिखने पर देखो यहाँ पे एन बी लिखा कि नहीं, एन बी वाली कितनी इतनी है, तो यहाँ लिख लो टी साइन 10 डिग्री प्लस 20 जी। ओके, मुझे करना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टी की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू निकालने में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे पी की वैल्यू को निकाल लेंगे, फाइन। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आगे क्या करना है आगे। ओके ठीक है, तो पी यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है एक्चुअली, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया आपको, पी दिया हुआ है। ओके, तो पी यहाँ पे दिया हुआ, तो यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा, अननोन टी रहेगा, ठीक है। तो टी को अपन निकाल लेंगे यहाँ से। ओके, लेकिन यहाँ पे मुझे एक्सेलेरेशन भी नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है, काम करते हैं दूसरे वाले ब्लॉक में आते, दैट इज छोटे वाले ब्लॉक में। तो सॉरी, पहले कहाँ पे, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ए, ठीक है। एफ बी डी बनाते पहले इसका, जब एफ बी डी बन गया, बनाएंगे अपन इसका, इसको नीचे लेके आ जाओ। एक क्या जो आपको वेट, सॉरी जो आपको मास दे रहा है, इज 5, तो नीचे अपना क्या आएगा, 5g आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, सिंस अपना बॉडी ए है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, दिस इज एन ए, ये का आपका जो इधर मूव करा था, आपका फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, पीछे तरफ आएगा, हाउ मच, म्यू ए एन ए। ओके ठीक है, एक क्या है देखो, तो यहाँ पे टेंशन लगेगा, दिस इज टी विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इसका एक्सेलेरेशन क्या आएगा, इधर तक जाएगा, दिस इज ए। ओके, तो यहाँ पे अगेन अपन लिखेंगे समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा अपना, देखो ये अपना पीछे था कि नहीं, तो दिस इज माइनस म्यू ए एन ए। ओके, ये इधर आएगा विद पॉजिटिव साइन कॉस कंपोनेंट, तो टी आएगा विद कॉस कंपोनेंट, इज कॉस 10 डिग्री हो गया अपने, ये और तो कुछ आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे फिर, इक्वल्स टू मास दैट इज 5 इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्स दैट इज ए, ठीक है। तो अगेन आपको यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करें जहाँ पे ए टी और ये एन ए जो नहीं पता मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, आप समेशन एफ वाई इक्वल्स टू एम ए वाई निकालते हैं। तो यहाँ पे जब निकालें तो देखो क्या आएगा, ऊपर चढ़ा आपका एन ए, ठीक है, नीचे आपका माइनस 5 जी नीचे आया, ये भी जब आपको ऊपर चढ़ेगा दैट इज़ प्लस 10 सॉरी टी, क्या देखो यहाँ पे साइन 10 डिग्री आएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एन ए को सॉल्व कर लो, दैट इज 5g माइनस टी साइन 10 डिग्री। इस एन ए की वैल्यू जब अपन यहाँ पे रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिले जहाँ पे टी और ये ए क्या है, अननोन है। यहाँ भी आपके पास क्या दिया हुआ है, टी और ये ए क्या है, अननोन यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी सभी वैल्यू जो आपको यहाँ पे पता हुआ है पता है। तो ये दो इक्वेशन सॉल्व करिए और फिर क्या निकालेंगे अपन, यहाँ पे टी और ये ए की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग ऑल द इक्वेशंस फाइनली आपको जो टी और ये ए की जो वैल्यू मिलेगी उसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो टी आपको जो फाइनली मिलेगा दैट इज़ 28 न्यूटन के आसपास कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, और एक्सेलेरेशन जो मिलेगा दैट इज़ कम अराउंड 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फाइनल आपको आंसर मिलने वाला है, आप सभी को सॉल्व करिए अच्छे से और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो दिस इज माई आंसर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।